इंडियन फुटबॉल के अंदर जल्द ही आपको PIO या OIC प्लेयर आपको इंडियन फुटबॉल टीम के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे। कुछ ही सालों के अंदर या 2-3 सालों के अंदर आपको इंडियन फुटबॉल टीम में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमारे जो इंडियन फुटबॉल के जो प्रेजेंट है, AIS के जो प्रेजेंट है कल्याण चौबे जी ने एक टास्क फोर्स का वो गठन कर रहे हैं, जिसके अंदर ये टास्क फोर्स काम करेगी कि जितने भी जो हमारे अवार्ड में जो इंडियन ओरिजिन प्लेयर PIO और OIC प्लेयर जो फॉरेन लीग के अंदर खेलते हैं, सेकेंड डिवीजन लीग में टॉप 10 लीगों के अंदर खेलते हैं, तो इन्हीं प्लेयरों का डाटा इमिग्रेट करेगी हमारी टास्क फोर्स। और ये सभी डाटा तो ये डाटा PIO और OIC प्लेयरों का हमारी टास्क फोर्स इमिग्रेट करके ये हमारी AIF प्रेसिडेंट को सौंपेगी 31 जनवरी 2024 तक। तो ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है हमारे इंडियन ओरिजिन और OIC प्लेयरों को सभी नामों को इमिग्रेट करने के लिए, तो AIF कमेटी ने इसको इसकी जो कमान सौंपी है वो पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है समीर थापर जी को इसकी कमान सौंपी गई है। ये सभी जो ओरिजिन प्लेयर हैं जो अवार्ड में जा जो अवार्ड के अंदर हमारे PIO और OIC जो जितने भी प्लेयर हैं इन्हीं सभी प्लेयरों का जो डाटा इमिग्रेट करेगी इन इन सभी के नाम AIF प्रेसिडेंट को सौंपेगी। अगर ये जितने भी हमारे PIO OIC प्लेयर अगर इंडियन फुटबॉल टीम में आके खेलते हैं, अगर हमारे इन AIF इन्हें अलाउ करती है, तो काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला हमारे इंडियन फुटबॉल के ऊपर। अगर ये सारे PIO OIC प्लेयर अगर इंडियन फुटबॉल टीम में आके खेलते हैं तो हमारे इंडियन फुटबॉल और जल्दी अच्छे से ग्रो करेगा, और नहीं फॉरेन लीग के अंदर जो OIC और PIO के जो प्लेयर खेलते हैं वो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे इंडियन फुटबॉल प्लेयरों के साथ, तो काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा हमारे इंडियन प्लेयरों को, और हमारे इंडियन फुटबॉल टीम का जो वर्ल्ड कप ड्रीम है वो तो भी जल्दी से पूरा हो सकता है। तो काफ़ी सारे इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं जो अवार्ड में रहते हैं और अवार्ड में फॉरेन लीग के अंदर खेलते हैं, काफ़ी सारे PIO और OIC प्लेयर हैं जो बड़ी बड़ी लीगों के अंदर फर्स्ट डिवीजन लीग सेकेंड टायर लीगों के अंदर खेलते हैं, और काफ़ी सारे प्लेयर भी पहले भी इंटरेस्टेड थे हमारे इंडियन नेशनल टीम से खेलने के लिए, तो इन्होंने भी खेलने की इच्छा जताई है इंडियन नेशनल टीम से, मगर इसके अंदर काफ़ी सारी मुश्किलें हैं। कोई बाहर का सिटीजन जो इंडियन कम्युनिटी का है अगर वो इंडियन नेशनल टीम से आके खेलना चाहता है तो उसे अपना पासपोर्ट गिवअप करना पड़ेगा, और इंडियन सिटीजन्स लेने के लिए उसे यहाँ पे इंडिया के अंदर 2 या 3 साल तक रहना पड़ेगा, इंडियन सिटीजनशिप भी लेने पड़ेगी कि वो जाके इंडियन नेशनल टीम से खेल सकता है। तो काफ़ी सारी मुश्किलों को फेस करना पड़ेगा AIF को अगर वो PIO और OIC प्लेयरों को इंडियन नेशनल टीम से खिलाते हैं, तो क्योंकि काफ़ी सारे रूल भी चेंज होंगे जो बनाए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो हमारी AIF को परमिशन लेनी पड़ेगी हमारी इंडियन गवर्नमेंट से अगर वो PIO और OIC प्लेयरों को इंडियन नेशनल टीम से खिलाएंगे। तो ये काफ़ी मुश्किल है। अगर ये होता है कि PIO और OIC प्लेयर इंडियन टीम में आके खेलते हैं तो जल्द ही हमारी इंडियन टीम को इसका एडवांटेज हमारी इंडियन फुटबॉल टीम को मिलेगा अगर PIO और OIC प्लेयर हमारी इंडियन नेशनल टीम से आके खेलते हैं, और काफ़ी सारे प्लेयर भी पहले भी इंटरेस्टेड थे हमारे इंडियन नेशनल टीम से खेलने के लिए। तो जितने भी जो इंडियन प्लेयर हो PIO OIC जो इंडियन प्लेयर जो अवार्ड में रह के फॉरेन लीग के अंदर जो खेलते हैं टॉप डिवीजन और सेकेंड डिवीजन लीग में, तो वो अपना पासपोर्ट को गिवअप नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो अपना पासपोर्ट को गिवअप करते हैं वहाँ की सिटीजनशिप छोड़ते हैं तो उन्हें टॉप जो वहाँ की जो टॉप टायर लीग है या सेकेंड डिवीजन लीग है तो उस लीग में उनको खेलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उनके हाथ से वो जो सिटीजनशिप चलेगी, तो इसलिए उनको काफ़ी डर था कि अगर वो वहाँ का पासपोर्ट छोड़ते हैं तो उनको ये भी डर था कि डायरेक्टली क्या इंडियन नेशनल टीम में उनको मौका मिलता, क्या उनको इंडियन की सिटीजनशिप मिल जाती जल्द से जल्द, और उनको काफ़ी सारी कन्फ्यूजन थी अगर वो पासपोर्ट अपना गिव करते हैं। काफ़ी सारे प्लेयरों को ये चीज़ें की दिक्कत थी, क्योंकि अगर वो पासपोर्ट गिव अप करते तो उन्हें वो फैसिलिटी नहीं मिलती जो फॉरेन लीग में वो खेलते हैं टॉप टायर लीग या सेकेंड डिवीजन लीग के अंदर, अगर वो अपना पासपोर्ट छोड़ते तो उनको ये फैसिलिटी ख़त्म हो जाती उनकी सारी की सारी, और वो दोबारा जाके वो फॉरेन लीग के अंदर नहीं खेल सकते थे, तो ये उनके अंदर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन बनी हुई थी, इसलिए वो इंडियन नेशनल टीम में आके नहीं खेल पा रहे थे। अब AIF ने एक डिसीजन लिया है जितने भी PIO और OIC जो प्लेयर हैं उनके लिए कि
कि एक टास्क फोर्स का जो गठन किया है अभी जो PIO OIC प्लेयरों के लिए, कि इन सभी प्लेयरों को इमिग्रेट किया जाएगा और जनवरी 2024 तक इन्हीं सभी प्लेयरों के जो नाम आएंगे, और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है अभी उनसे भी जो बातचीत चलेगी, तो क्या वो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है अलाउ करेगी जो अवार्ड में खेलने वाले जो हमारे इंडियन कम्युनिटी के प्लेयर हैं, तो क्या वो इंडियन नेशनल टीम से खेलने के लिए अनुमति देंगे। तो ये काफ़ी सारी अभी प्रॉब्लम आने वाली है हमारे AIF को भी। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगे, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।